नमस्कार, टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजीव उपाध्याय। नमस्कार, मैं हूं किरण भारद्वाज। सुबह सुबह आंख खुली है लेकिन अभी बिस्तर में और लेटे रहने को मन कर रहा है। जरा से हाथ पांव चलाने की कोशिश की तो महसूस हुआ कि काफी दर्द है। करवट लेने की कोशिश की तो जकड़न सी महसूस हो रही है। बमुश्किल खड़े हुए तो पैरों में और दर्द, और चलने में ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने जकड़ लिया हो। कहीं ये लक्षण गठिया के तो नहीं? हो सकता है बहुत से लोगों को ये लगता है कि ये लक्षण जब जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो ये एक आम सामान्य सी बात है, लेकिन कुछ में ये लक्षण ज़रा कम उम्र में यानी नौजवानी के बाद भी आने शुरू हो जाते हैं। तो क्या गठिया यानी आर्थराइटिस ये सभी को हो सकता है? क्या कम उम्र में भी हो सकता है? और होता है तो क्या इसका इलाज है? और अगर इलाज है तो कैसे है? आज बहुत विस्तार से आर्थराइटिस पर हम ये बातें अपने विशेषज्ञों से समझने की कोशिश करेंगे कि आर्थराइटिस का कारण क्या है, कितने प्रकार होते हैं, और तमाम बातें इससे जुड़ी हुई आज विशेषज्ञ हमें ज़रूर बताएंगे। जी हाँ, क्योंकि अगर बात करें आर्थराइटिस की और ख़ास तौर पर जो उसका मुख्य लक्षण माना जाता है, जोड़ों का दर्द, तो सभी को कभी ना कभी हो जाता है। तो हर व्यक्ति को लगता है बहुत आम सी बात है, डॉक्टर के पास जाने की क्या ज़रूरत है। लेकिन जितनी आम समस्या है उतने ही आम इसके इलाज के विकल्प भी समझे जाते हैं। कभी तेल मालिश, तो कभी पेन रिलीवर ले लेना, तो कभी स्प्रे और न जाने क्या क्या। लेकिन अगर बात हो आर्थराइटिस की तो क्या सिर्फ इतना मात्र कर लेना ही बहुत है, या फिर ज़रूरी है सही इलाज करवाना? सही इलाज न हो तो क्या हो सकता है? ऐसी बहुत सी महत्वपूर्ण बातें हैं जानने के लिए। सिलसिले की शुरुआत करें और ये समझें कि आर्थराइटिस रोग क्या होता है और किस तरह से जोड़ों को प्रभावित करता है। जोड़ों का दर्द एक आम समस्या है जो कभी न कभी हो ही जाती है। अक्सर इसे गंभीरता से नहीं लिया जाता, लेकिन यदि जोड़ों का दर्द लंबे समय तक चले और इसके साथ ही जीना पड़े, यहाँ तक कि जोड़ प्रभावित हो जाएं, तो स्थिति सरल नहीं रह जाती। आर्थराइटिस जोड़ों को प्रभावित करने वाला एक रोग है जिसके कई रूप होते हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिससे ग्रस्त होने पर शरीर में अपने अंगों को क्षति पहुँचाने वाले उत्तक बनने लगते हैं, जिसके प्रभाव से तरल पदार्थ बनाने वाले मेम्ब्रेन यानी झिल्ली को क्षति होती है, जिसके परिणाम स्वरूप जोड़ों में सूजन व दर्द हो सकता है। यहाँ तक कि जकड़न भी आ सकती है। स्थिति अधिक गंभीर होने पर जोड़ टेढ़ा हो सकता है और कार्य करना बंद कर सकता है। वहीं ऑस्टियोआर्थराइटिस होने पर बढ़ती उम्र या फिर कुछ अन्य कारणों से हड्डियों के बीच का कार्टिलेज नष्ट होने लगता है और कोई भी क्रिया करते समय हड्डियाँ आपस में घिसने या टकराने लगती हैं, जिसके कारण जोड़ और हड्डियों को क्षति हो जाती है। वैसे तो गर्दन, पीठ, कूल्हे व घुटने के जोड़ इससे प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि कूल्हे का जोड़ शरीर के ऊपरी भाग का और घुटना पूरे शरीर का भार सहन करता है, इसलिए इन दोनों जोड़ों के रोगग्रस्त होने की संभावना अधिक होती है। इस रोग का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ता है। यदि प्रारंभिक लक्षणों की पहचान कर जल्द इलाज करवाया जाए तो जोड़ को क्षति से बचाया जा सकता है। लापरवाही करने पर जोड़ पूरी तरह से प्रभावित हो सकता है, इसलिए यदि आप भी जोड़ों के दर्द से परेशान हैं, तो देर ना करें, विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें और ये जानें कि कहीं इसका कारण आर्थराइटिस रोग तो नहीं। टोटल हेल्थ, डीडी न्यूज। तरह तरह के पेन किलर्स खा लिए, जो चाहे केमिस्ट ने बताए, चाहे किसी दोस्त या रिश्तेदार ने, या फिर मलहम लगाए या फिर स्प्रे किया, लेकिन फिर भी राहत नहीं मिल रही है। लगता है शायद गठिया ही है। निदा फाजली कहते हैं कि बूढ़ा पीपल घाट का बतियाए दिन रात, जो भी गुजरे पास से सिर पर रखे हाथ। जब भी कोई मुश्किल आती है तो हम कोशिश करते हैं किसी जानकार, किसी विशेषज्ञ या किसी बुजुर्ग के पास जाते हैं। बुजुर्ग तो नहीं, लेकिन आज विशेषज्ञ हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं स्टूडियो में, जो हमें बताएंगे आर्थराइटिस से क्या क्या बचाव हमें करना चाहिए और अगर हो जाए तो उसका फिर मैनेजमेंट यानी प्रबंधन कैसे किया जाए। जी हाँ, और ये भी बहुत ज़रूरी है कि उससे पहले यानी समस्या शुरू हो उससे पहले ही इस विषय में जानकारी हो। तो इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आज डॉक्टर उमा कुमार, प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन एंड हेड क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी एंड रूमेटोलॉजी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान से। हमारे साथ हैं डॉक्टर अजय शुक्ला, एसोसिएट प्रोफेसर एंड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल से।
साथ ही मौजूद हैं डॉक्टर संजय वधवा, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान से। आप सभी का स्वागत है स्टूडियो में। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर उमा कुमार, हम आपसे समझने की कोशिश करें, बहुत से लोगों के मन में ये बात हमेशा रहती है कि आर्थराइटिस क्या है, गठिया क्या है, बहुत से लक्षणों को देखकर उन्हें लगता रहता है। तो सबसे पहले यही सवाल आपसे कि आर्थराइटिस यानी गठिया एक ही चीज़ है या क्या है ये? आर्थराइटिस को हिंदी में गठिया कह देते हैं। तो आर्थराइटिस और गठिया एक ही चीज़ है और ये लक्षण होता है बहुत सारी बीमारियों का। ये इन इट्सेल्फ कोई बीमारी नहीं है। इसके 200 से ज़्यादा बीमारियां होती हैं जिनमें गठिया या आर्थराइटिस एक लक्षण हो सकता है। और इसमें जोड़ों में सूजन आती है, जोड़ों में दर्द होता है, मरीज को काम करने में परेशानी आती है और जो त्वचा है जॉइंट के ऊपर की वो लाल हो सकती है अगर वो इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस है तो। जी, डॉक्टर संजय वाधवा, आपसे जाने, जोड़ों का दर्द हर किसी को लगता है कि क्या हुआ, गलत पोस्चर हो गया तो जोड़ों का दर्द हो गया, डॉक्टर के पास क्यों जाए? लेकिन अगर इसे एसोसिएट किया जाए आर्थराइटिस के साथ, यानी अगर समस्या उस लेवल की है, तो कितना महत्वपूर्ण होगा या क्या रिश्ता रहता है दोनों का? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि आजकल की हमारी लाइफस्टाइल जो हो गई है, हम बहुत घंटे तक कंप्यूटर के आगे, लैपटॉप के आगे बैठे रहते हैं या ऑफिस में फाइलें देखते रहते हैं, लिखते पढ़ते रहते हैं। तो हमारी लाइफस्टाइल में प्रोलॉन्ग्ड सिटिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ हो गई है। घंटों हम बैठे रहते हैं जी। उसके कारण हमारे कुछ जोड़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेन पड़ता है जो आगे चल के दर्द उत्पन्न कर सकता है। रॉन्ग पोस्चर अपने आप में आर्थराइटिस नहीं प्रोड्यूस करता, लेकिन आर्थराइटिस के अलावा कई प्रकार के दर्द होते हैं, मस्कुलोस्केलेटल पेन्स होते हैं, नॉन रूमेटिक पेन्स होते हैं, बैड पोस्चर उनका एक प्रमुख कारण होता है। और उसमें दवाओं के सेवन के बजाय अगर आप बेसिक कॉज जो गलत पोस्चर है उसको अगर आप ठीक कर लेंगे तो दर्द ठीक हो जाएगा जी। तो इस बारे में सही पोस्चर क्या है ये जानना ज़रूरी है, और कोई भी सिटिंग पोस्चर बहुत देर तक नहीं मेंटेन करना चाहिए। तो हम उन लोगों को जो बड़े एक्टिव लाइफ लीड कर रहे हैं, घंटों कंप्यूटर्स के आगे बैठे रहते हैं, उनको एक सलाह देना चाहते हैं कि 45 मिनट से ज़्यादा लगातार ना बैठें। आप उठ जाइए किसी भी बहाने से, कुर्सी से, चाहे बाथरूम जाने के लिए, चाहे पानी का गिलास पीने के लिए, या अदरवाइज भी अपनी पीठ को हल्का सा स्ट्रेच करने के लिए जी। तो उससे गर्दन और पीठ के दर्द से काफी हद तक बच सकते हैं जी। लेकिन अगर इसका कारण आर्थराइटिस है डॉक्टर शुक्ला, तो क्या किस तरह की स्थिति होगी या कौन से वो लोग हैं जिन्हें इस रोग का खतरा हो सकता है? आर्थराइटिस किसी भी एज ग्रुप में हो सकती है, छोटे से छोटे बच्चे से लेकर सबसे बूढ़े आदमी, बहुत मोटे लोगों में हो सकती है, बट बहुत दुबले लोगों में भी हो सकती है। आर्थराइटिस कई किस्म की होती है। आर्थराइटिस इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है, आर्थराइटिस चोट लगने की वजह से हो सकती है, आर्थराइटिस कुछ जो है जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन कुछ लोगों में होता है उसकी वजह से हो सकती है। आर्थराइटिस लोगों के जैसे बच्चों की बचपन में हड्डियाँ कमज़ोर हैं, टेढ़ी हो जाती हैं, तो उसकी वजह से आर्थराइटिस होने की संभावना बढ़ जाती है। एज खुद आर्थराइटिस के प्रति आदमी को प्रीडिस्पोज करता है, तो जैसे एज बढ़ती जाती है तो आर्थराइटिस हो सकती है। कई प्रकार की आर्थराइटिस खाने से लिंक्ड है, हालांकि उनकी परसेंटेज कम है, जैसे कि गाउट है, या कुछ लोगों में सीलिएक डिजीज़ है, तो कुछ ग्लूटेन वगैरह से उनको आर्थराइटिस हो सकती है, ब्लड के ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स से आर्थराइटिस हो सकती है। तो आर्थराइटिस बहुत मतलब ज़्यादा लोगों को हो सकती है, एंड उसका प्रेवलेंस इंडिया में तो ऑलमोस्ट कहा जाता है कि 15 से कुछ लोगों का एस्टिमेट है कि 25 करोड़ तक लोगों को शायद आर्थराइटिस की बीमारी है जी।